सीटेट पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, पेपर में यही सब आएगा। बाल विकास के बेस्ट 10 क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आ गया हूं। इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया और एक ही वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आया, ताकि आप लोग फायदा भी उठा सके और एग्जाम में जाकर आप वे प्रश्न करें जो आप पहले ही हमारे यहां पर कर चुके हो। इसीलिए पूरी वीडियोस आपको देखनी है, क्योंकि सीटेट को अब की बार जीतना है आपको। यू हैव टू विन योर सीटेट। और सीटेट जनवरी 2021 में सीडीपी बेस्ट 10 क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए ये नेक्स्ट है, ये चौथी वीडियो है दोस्त। और आपने अब तक हमारी बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल नहीं किया हो तो कर लीजिए। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट इंस्टॉल कर चुके हैं और सब्सक्रिप्शन भी लीजिए, ताकि आप बाइलिंगुअल नोट्स मॉक टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकें और आपका एग्जाम लगभग 100% क्लियर हो। कल 3 स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया, कंचन बाला, अर्क चौधरी और शगुफ्ता परवीन ने। और आज सुबह सुबह एक स्टूडेंट ने लिया जिनका नाम है खुशबू कुमारी। उन सबको थैंक यू सो मच जिन्होंने बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर सब्सक्रिप्शन लिया है। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है दोस्त, खास करके शुरुआती कुछ क्वेश्चन, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उनको पूरी वीडियो को देखिएगा। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किशोर छात्रों का प्रमुख मुद्दा क्या है? व्हाट इज द मेन टॉपिक फॉर एडोलेसेंस? पहचान विकसित करना। देखिए, किशोर अपनी पहचान विकसित तो करना ही चाहते हैं। भावनाओं का प्रबंधन करना, इमोशनल डिसबैलेंस होता है तो अपनी भावनाओं को प्रबंधन में भी बुलाना चाहते हैं। संबंध बनाना, यानी कि रिलेशन काफी बनाना। संबंध बनाने का मतलब संपर्क में आना एक दूसरे से, तो जो सामाजिक दायरा होता है, सोशल बाउंड्री, वो काफी बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा लोगों के कनेक्शन में जो है बच्चा आता है, तो जब किशोरावस्था में बच्चा कदम रखता है तो बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है वो, तो उसमें बच्चा अपनी पहचान भी विकसित करना चाहता है। हु एम आई, इसका भी पता करना चाहता है। उसके मन के अंदर भावनाओं की उथल पुथल भी आती है और उसके सामाजिक संबंध भी बहुत ज्यादा क्षीण हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आपने देखा होगा कि सामाजिकता कौन सी एज में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल हो जाती है, तो किशोरावस्था में हो जाती है। तो यहां पर आंसर ये सभी होगा, ठीक है। और किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं, और इसमें छात्रों के बीच में प्रमुख द्वंद भी उत्पन्न होते हैं। कहते ना कि कौन सी एज में द्वंद उत्पन्न होते हैं, इसी एज में, ठीक है। चलो, और अपनी भूमिका को लेकर भी वो थोड़ा सा चिंतित रहेंगे समाज में, कि मेरी भूमिका क्या है, मेरा रोल क्या है। कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूअस का मतलब है पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद, तीनों बार क्या होगा, आकलन होगा, मूल्यांकन होगा। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। इसका मतलब क्या हुआ, व्यापक का मतलब हुआ कि चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और फिजिकल, तीनों क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए। विकास के तीनों क्षेत्रों का मूल्यांकन हो तब वो कॉम्प्रिहेंसिव भी हो जाता है। तो आप मुझे बताओ कि सीसीई के बारे में कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, बताना है आपको। चलो देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न भिंग है, यानी कि अगर पहला ऑप्शन यहां पर देखें तो आपको यह कहा जा रहा है कि यह अभिन्न भिंग, यानी कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अभिन्न का मतलब होता है इंटीग्रल, बिल्कुल है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। इट फोकस ऑन चिल्ड्रंस अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, बिल्कुल ठीक है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी होता है। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर एंड इंटेलिजेंट। देखिए, आपको स्टूडेंट को कभी भी लेबल नहीं करना है, आप स्टूडेंट को लेबल नहीं कर सकते। मूल्यांकन करते वक्त आपको लेबलिंग नहीं करनी है कि ये होशियार है, ये कमजोर है, इसको कुछ नहीं आता है,
ऐसे नहीं करेंगे आप। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। यह भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर थर्ड है दोस्त वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के बीच सीखने और चीजों को जो है समझने को बढ़ावा देना है, ना कि उनकी व्यक्तिगत कुशलताओं में भी वृद्धि करना है। इसे रचनात्मक और समेकित मूल्यांकन में भी बांटा जा सकता है। इसे जो सीसीई है इसे रचनात्मक और समेकित मूल्यांकन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आप लेबल बच्चे को नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद किस कारण से कक्षा आयु के अनुसार अधिक समजातीयता या समरूप हो गई है। आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 द क्लासरूम बिकम एज वाइज मोर होमोजीनियस बिकॉज ऑफ। 2009 के बाद आपने देखा कि एक क्लास में लगभग एक ही एज के बच्चे आपको पढ़ते हुए दिखेंगे। पहले क्या होता था, छठी क्लास में कोई तो बहुत ज्यादा उम्र का, कोई बहुत कम उम्र का, लेकिन आजकल आपको हम उम्र ही दिखेंगे। ये किस वजह से हुआ है? पहला है प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय से बाहर के बच्चों को प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ गिविंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर एडमिशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तीसरा है ए और बी दोनों, और लास्ट है प्रशिक्षित शिक्षक का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ ट्रेंड टीचर। बताइए दोस्त आंसर क्या होगा, कि जो एज ग्रुप है वो आपको समझाती है दिख रहा है। देखिए, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष से अधिक आयु का है या 6 वर्ष का है तो उसे किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिया जा सकता है। अगर उसे किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है तो वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका है तो उसे उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मान लो कोई बच्चा 10 साल का है और वो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाया, और वो 10 साल की एज में कौन सी क्लास में होना चाहिए था बताओ मुझे? 5 साल का पहली में, 4th में या 5th में होना चाहिए, तो डायरेक्ट उसे 4th में जो है एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपने देखा कि, देखो यहां पर आपने देखा कि कोई 8 साल का बच्चा है, 3rd क्लास में होना चाहिए था 8 साल का बच्चा। मान लो 2 बच्चे हैं 8 साल के, राम श्याम। राम पहली से शुरुआत से ही पढ़ रहा है और 3rd क्लास में हो गया, लेकिन श्याम आज तक स्कूल में नहीं गया है और वो 8 साल का है, तो उसे पहली क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसे डायरेक्ट 3rd में दे दिया जाएगा। फिर आप बोलोगे सर उसे पहले की चीजें कब सिखाई जाएंगी, तो 1 साल के अंदर जो उसका करिकुलम होगा वो राम से अलग होगा, उसका मेन फोकस होगा श्याम के करिकुलम का, कि श्याम ने जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा है उसको अपने हम उम्रों के बराबर लेके आना। तो विद्यालय से बाहर के बच्चों के प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है, इसीलिए अधिक से अधिक समझातीयता होगी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा यहां पर। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। निम्न में से एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में से किसको एक माना जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। लचीलापन का मतलब होता है फ्लेक्सीबिलिटी, फ्लेक्सीबिलिटी, रटना, रोट लर्निंग, निरंकुश शिक्षण, ऑटोक्रेटिक टीचिंग, दंड का मतलब पनिशमेंट। बताओ कौन सा एनसीएफ का एक सिद्धांत है। एनसीएफ के 5 सिद्धांत है दोस्त, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। काफी कम जगह पर आपने ये चीज पढ़ी होगी, YouTube पर तो NCF की उसमें आपने बहुत कम पढ़ा होगा। देखिए NCF के 5 जो है मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत 5 के 5 कौन से हैं। पहला तो है लचीलापन, ये तो हो गया आपका फर्स्ट,
लचीलापन। यानी कि इसके बीच में ये रिजिड नहीं है, चेंज हो सकता है जरूरत के हिसाब से इसमें। दूसरा है बाहरी दुनिया, तीसरा है ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास, फिर रटना और फिर लोकतांत्रिक मूल्य। इन चीजों के ऊपर मेन फोकस दिया गया है कि रटना नहीं होना चाहिए। तो ये पांच है दोस्त, और ये सिद्धांत ही ये डिसाइड करते कि एनसीएफ में किन बातों के बारे में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी आंसर होगा। इंग्लिश में अगर बात करूं, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटर्नल वर्ल्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट, रोट लर्निंग और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये हैं आपके पांच प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमन कथनों पर विचार करिए। अब देखो प्याजे के बारे में दो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको यह पहचानना है कि इसमें से दोनों ठीक हैं, एक ठीक है या एक भी ठीक नहीं है। चलो देखते हैं। वो तो प्याजे का दावा है कि मूर्त संचालन से कम उम्र के बच्चे तार्किक सोच के लिए अक्षम होते हैं और स्व केंद्रित होते हैं। प्याजे क्लेम्स दैट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल आर इनकैपेबल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर ईगोसेंट्रिक। यानी कि जो भी बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल थर्ड स्टेज से कम का होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है और उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, तार्किक सोच नहीं होती, कोई चीज क्यों हुई है इसका रीजन उसे पता नहीं होता, ना ही वो पता करना चाहता है। बताओ तीसरी स्टेज से नीचे का बच्चा। यस, बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने ये। दूसरा देखते हैं। प्याजे का मानना है कि परिपक्वता बौद्धिक विकास की रूपरेखा के रूप में कार्य नहीं करती। प्याजे बिलीव्स दैट मैच्योरेशन डू नॉट वर्क एज द फ्रेमवर्क फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये गलत है। जीन प्याजे ने माना था कि जो बच्चे की परिपक्वता होती है, जो मैच्योरेशन होता है, वो रोल प्ले करता है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में, क्योंकि मैच्योरिटी के कारण ही चारों अवस्थाएं क्रमतः ही बच्चे के अंदर आती है। तो कौन सा कथन सत्य है? ओनली वन, पहले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर ब्लूम किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, भावनात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट से, प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बोला जाता है प्रत्याशा थ्योरी को, और ये विक्टर ब्लूम ने ही दी थी। ये थ्योरी किसके बारे में है बताओ? प्रत्याशा सिद्धांत का मतलब क्या है? देखिए, ये सिद्धांत आपको बताएगा कि कर्मचारी कैसे प्रेरित होते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित तरीके से इस उम्मीद पर हमेशा काम करता है कि इस काम का, अगर मैं इस काम को करता हूं तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, और उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। देखिए, वो तीन चीजों के ऊपर ध्यान देता है, पहला साधन, दूसरा प्रत्याशा और तीसरा है वैधता। इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल में तीन चीजों के ऊपर बहुत बात की गई है दोस्त, इन तीन चीजों के बारे में, जिसको साधन को क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटलिटी, प्रत्याशा को क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टेंसी, और वैधता को क्या बोला जाता है, वैलेंस, वैलिडिटी और वैलेंस भी इसको बोल देते हैं, वैलेंस या वैलिडिटी। बहुत ही तगड़ा जो है दोस्त ये क्वेश्चन था, याद रखना है हमेशा कि विक्टर ब्लूम हमेशा जो है किसके साथ जुड़े हैं, हमेशा आपके वो प्रत्याशा सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रत्याशा सिद्धांत हमेशा ये लगेगा कि जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, इसी उसमें जो है कोई भी काम करता चला जाता आगे। निम्न में से कौन से कथन सही है? या तो दोनों ठीक हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते, या केवल एक हो सकता है, देखते हैं वो तो एक बार है क्या ये।
वृद्धि विकास की प्रक्रिया में कुछ हिस्सों में से एक है। यस बिल्कुल ठीक है, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंट के तीन पार्ट होते हैं मेनली, तो जिसमें ग्रोथ फिजिकल डेवलपमेंट का ही दूसरा नाम है और ये विकास का एक हिस्सा है। यस विकास जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यस यस, तो यहां पर ठीक कौन सा हुआ, दोनों हो गए, दोनों ये कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निजी भाषण के महत्व को दस्तावेजीकरण करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू डॉक्यूमेंट द इंपोर्टेंस ऑफ प्राइवेट स्पीच? प्राइवेट स्पीच होता है जब बच्चा अपने आप से बातें करता है। आपने देखा होगा आदमी खुद से जब बातें करते हैं तो वो प्राइवेट स्पीच होता है। और वाइगोत्स्की ने कहा कि जो निजी भाषण होता है वो स्वयं के लिए निर्देशित होता है, सामाजिक भाषण दूसरों से बात करने के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखना, निजी भाषण खुद से बात करने के लिए यूज होगा, सामाजिक भाषण दूसरों से बात करने के लिए यूज होगा, और आंतरिक भाषण, एक आंतरिक भाषण भी होता है लेकिन वो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। तो अभी बस आप ये दोनों ही चीजें समझें, ठीक है? तो इसके कंसेप्ट के फाउंडर थे लिव वाइगोत्स्की, ए ऑप्शन होगा। अगला है, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई की छोटी ध्वनि की इकाई जिसका अर्थ भिन्न होता है उसे क्या बोलते हो आप? अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट इन ए लैंग्वेज दैट डिस्टिंग्विशेस मीनिंग इज फोनिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोनिम। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द साउंड दैट मे कॉज ए चेंज ऑफ मीनिंग विद इन ए लैंग्वेज बट दैट डजंट हैव मीनिंग बाई इट सेल्फ। यानी कि फोनिम का मतलब क्या होता है? यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जो किसी भाषा के भीतरी अर्थ परिवर्तन का कारण बन सकती है लेकिन इसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं हो सकता, ठीक है? फोनेम, PHONEM में ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है ठीक हो जाएगा। आज की क्लास में दोस्त मैंने आप लोगों से हमेशा की तरह 10 सबसे तगड़े क्वेश्चन पूछे। सब्सक्रिप्शन आप जरूर ले, ऐप को इंस्टॉल करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सीटेट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होंगे यहां से, तो जरूर आप वो चीजें करें जो सीधा आपके एग्जाम में आती हो। और ये जो वीडियोस हैं दोस्तों, इनको लाइक शेयर तो आपको करना ही है। ये चौथी वीडियो थी, वैसे मैं CDP की लाइव क्लास तो ले रहा हूं लेकिन बेस्ट 10 वाली वीडियोस भी आपके लिए आ रही हैं। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी तैयारी हमारे बैक टू स्कूल के चैनल पर नहीं चल रही हो। तो सीटेट और अलग अलग राज्यों के टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों से मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है। टेक केयर एवरीवन।